दोस्तों, आईपीएल 2021 में आज के दिन टोटल दो मैच खेले गए थे और दोनों मैचों के खत्म होने के बाद आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2021 का नया पॉइंट टेबल और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए कितने मैच जीतने जरूरी है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में 1500 रुपए मिल जाएगा और साथ ही में फर्स्ट डिपोजिट पर 20% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और यदि आपकी टीम इंडियन T20 लीग के मैचों में लक्ष्मण रहाणे, गांगुली और आसिफ खान जैसे चैंपियन प्लेयर की टीम को हराती है तो आपको मिलेगा आपके विनिंग का 5 गुना ज्यादा कैश। और अगर आप इंडियन T20 लीग के लीडर बोर्ड में टॉप पर आते हैं तो पूरे 5 करोड़ रुपए जीत सकते हैं और प्रत्येक मैच में 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका है। काफी सारे सब्सक्राइबर्स करोड़ों रुपए जीत चुके हैं, तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप को और पाए फ्री में 1500 रुपए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2021 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज खेले गए पहले मैच में दिल्ली की टीम ने मुंबई इंडियंस को बुरी तरीके से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। और इन दोनों मैचों के बाद आईपीएल 2021 का पॉइंट टेबल पूरी तरीके से बदल चुका है। तो पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन के बारे में बात करें तो उससे पहले आप कमेंट में जोड़ बताएं कि इस साल कौन कौन सी 4 टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी। तो पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पर है हैदराबाद की टीम, जहां पर एसआरएच की टीम ने इस साल टोटल 11 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ 2 बार जीती है और 9 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 11 में से 2 मैच जीत करके 4 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। और इस टीम का नेट रन रेट -0.490 है और ये टीम ऑफिशियली प्ले ऑफ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। इसके बाद 7वें पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर है 5 बार की चैंपियन और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम। और आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। तो इस वजह से मुंबई की टीम ने इस साल टोटल 12 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ 5 बार जीती है और 7 बार हारी है। तो इस वजह से 12 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 7वें पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट -0.468 है, जो कि काफी खराब नेट रन रेट है। और मुंबई की टीम के प्ले ऑफ के चांस लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अगर ये टीम सभी मैच जीतती है तो इस टीम के टोटल 14 पॉइंट होंगे, लेकिन इस टीम का नेट रन रेट मुंबई का साथ नहीं दे रहा है। तो अगर मुंबई कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करती है तभी मुंबई की टीम प्लेऑफ में जा पाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग एमआई प्लेऑफ में जा पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद 6वें पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है आज के मैच की विनर यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम। और आज के मैच में राजस्थान की टीम ने बड़ा उलटफेर किया और चेन्नई की टीम को हरा दिया। तो इस वजह से टोटल 12 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट -0.450 है। और यहां पर से राजस्थान के पास अभी भी चांस है कि ये टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए। तो आपके अकॉर्डिंग राजस्थान की टीम इस साल के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद 5वें पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है केएल राहुल की कप्तानी वाली यानी कि पंजाब किंग्स की टीम। और पंजाब किंग्स की टीम ने इस साल टोटल 12 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ 5 बार जीती है और 7 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 12 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ पंजाब पॉइंट टेबल में 5वें पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट -0.236 है, जो कि काफी खराब नेट रन रेट है। और यहां पर से पंजाब की टीम को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे दोनों
मैच जीतने पड़ेंगे, उसके बाद पंजाब के टोटल 14 पॉइंट होंगे और साथ ही साथ पंजाब को प्रे करना पड़ेगा कि कोलकाता की टीम बाकी बचे सभी मैच हार जाए, उसके बाद ही पंजाब की टीम प्ले ऑफ में जा पाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग पंजाब की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद चौथे पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर है दो बार की चैंपियन और इयान मॉर्गन की कप्तानी वाली यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और कोलकाता की टीम ने इस साल टोटल 12 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ 5 बार जीती है और 7 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 12 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट +0.302 है जो कि काफी बेहतरीन बात है क्योंकि कोलकाता को प्ले ऑफ में जाना है तो बाकी बचे दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, उसके बाद कोलकाता टीम के टोटल 14 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर कोलकाता की टीम बाकी बचे दोनों मैच जीतती है तो 100% ये टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी क्योंकि इस टीम के नेट रन रेट और पंजाब मुंबई के नेट रन रेट में काफी बड़ा डिफरेंस है। तो मेरे अकॉर्डिंग कोलकाता की टीम अगर दोनों मैच जीतती है तो 100% प्ले ऑफ में जाएगी। तो आपके हिसाब से कोलकाता की टीम इस साल प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद तीसरे पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम और विराट कोहली की कप्तानी वाली यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम और आरसीबी की टीम ने इस साल टोटल 11 मैच खेले हैं जिसमें 7 बार जीती है और सिर्फ 4 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 11 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ बैंगलोर की टीम पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट -0.200 है जो कि आरसीबी फैंस के लिए थोड़ा सा निराशाजनक खबर है। और यहां पर से आरसीबी टीम को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 3 में से सिर्फ 1 मैच जीतने जरूरी है। तो आरसीबी की टीम 100% प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी और ये टीम अपना अगला मैच पंजाब किंग्स के साथ खेलेगी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या इस मैच में आरसीबी की टीम पंजाब को हरा करके डायरेक्टली प्ले ऑफ का टिकट पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद सेकेंड पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है आज के मैच की विनर और ऋषभ पंत की कप्तानी वाली यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम और दिल्ली की टीम ने इस साल टोटल 12 मैच खेले हैं जिसमें 9 बार जीती है और सिर्फ 3 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 12 में से 9 मैच जीत करके 18 अंकों के साथ ऋषभ पंत की टीम पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.551 है जो कि पूरे पॉइंट टेबल में काफी शानदार नेट रन रेट है। और दिल्ली की टीम तो अब ऑफिशियली प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है और इस टीम का ये भी लगभग फिक्स हो चुका है कि ये टीम पॉइंट टेबल के टॉप 2 में फिनिश करेगी। और आज के मैच में जिस तरीके से मुंबई जैसी मजबूत टीम को दिल्ली ने हराया तो यहाँ पर दिल्ली का मनोबल अब काफी ज्यादा ऊंचा होगा और ये टीम अब पूरी तरीके से प्रयास करेगी कि पॉइंट टेबल के टॉप 2 में किसी भी तरीके से फिनिश किया जाए। तो आपके अकॉर्डिंग दिल्ली की टीम पॉइंट टेबल के टॉप 2 में फिनिश कर पाएगी या नहीं, आप नीचे कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में बात करें तो यहाँ पर है आज के मैच की लूजर टीम और 3 बार की चैंपियन यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और चेन्नई की टीम ने इस साल टोटल 12 मैच खेले हैं जिसमें 9 बार जीती है और सिर्फ 3 बार हारी है। तो इस वजह से टोटल 12 में से 9 मैच जीत करके 18 अंकों के साथ चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर है और इस टीम का नेट रन रेट +1.00 के आसपास है और चेन्नई की टीम ऑफिशियली प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। और ये टीम दिल्ली कैपिटल से पॉइंट टेबल में इसलिए ऊपर है क्योंकि इस टीम का नेट रन रेट दिल्ली कैपिटल से बेहतरीन है। तो कुल मिला करके चेन्नई की टीम प्ले ऑफ में जा चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं प्ले ऑफ टीम के बारे में, तो चेन्नई दिल्ली तो पहले ही प्ले ऑफ में जा चुकी है और साथ ही साथ आरसीबी की टीम भी 100% प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी। वहीं चौथे पोजीशन के लिए कोलकाता, पंजाब, राजस्थान और मुंबई में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी ऐसी चौथी टीम होगी जो कि प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी, उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, बाउंड्री किंग और सिक्सर किंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑरेंज कैप के बारे में, तो फिलहाल ऑरेंज कैप होल्डर है केएल राहुल जो कि 489 रनों के साथ ऑरेंज कैप होल्डर है। वहीं सेकेंड पोजीशन पर है इस मैच से पहले संजू सैमसन जो कि 452 रन बना चुके हैं और शिखर धवन के भी टोटल 400
254 रन है। तो ऑरेंज कैप जो है वो इन्हीं तीन प्लेयर्स के इर्द गिर्द है। उसके बाद पर्पल कैप के बारे में बात करें तो पर्पल कैप होल्डर है आरसीबी के फास्ट बॉलर हर्षल पटेल, जो कि 11 मैचों में 26 विकेटों के साथ पर्पल कैप होल्डर है। और सेकेंड पोजिशन पर है आवेश खान, जो कि 12 मैचों में 21 विकेट ले चुके हैं। तो आपके अकॉर्डिंग पर्पल कैप कौन सा प्लेयर लेगा, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद सिक्सर किंग के बारे में बात करें तो सिक्सर किंग है केएल राहुल, जो कि 11 मैचों में 20 छक्के मार चुके हैं। वहीं बाउंड्री किंग है शिखर धवन, जो कि 12 मैचों में 57 चौके मार चुके हैं। तो यही था आईपीएल 2021 का नया पॉइंट टेबल और पर्पल कैप ऑरेंज कैप से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। और साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें। वहां से डाउनलोड करने पर बिल्कुल मुफ्त में ₹1500 मिल जाएगा और फर्स्ट डिपॉजिट पर 20% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो अभी डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप को। इस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।